हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं डीके प्रजापति व्लॉग। और अभी हम घर पे हैं, लॉकडाउन है इसलिए बाहर जाते नहीं कहीं पे। और लवांग का पेड़ है हमारे घर पे, तो उसको लगाने का है। बहुत दिन से काट के रखा हुआ है तो लगाए नहीं थे उसको, तो चलते हैं, पीछे जगह है तो वहीं पे लगा देते उसको। और आपको लवांग का पेड़ दिखा रहे हैं कैसे हो गया, 15 दिन से काट के रखा हुआ है तो अभी वो सूखा नहीं है। दोस्तों ये लवंग का पेड़ है, देखो अभी इसके पत्ते कितने हरे हरे हैं। और ये सूखा नहीं, 15 दिन से ज़्यादा हो गया काट के रखा हुआ है। इसका झाड़ ऐसे ही मिट्टी में लगाओगे तो लग जाता है। और इसको चलते हैं पीछे जगह, वहीं पे हम लगाएंगे अभी, तो आप देखो कैसे लगाते हैं। फिर अभी यहाँ पे खुदाई करेंगे, उसके बाद में ये पेड़ को यहाँ पे लगाएंगे। डिसाइड करेंगे यहाँ पे कहाँ पे खोदना है, उसको खोदने के बाद में वहाँ पे लगाएंगे। खोदो यहाँ पे, सब घास जमी हुई है तो पहले उसको निकालना पड़ेगा, फिर साफ करेंगे उसको, फिर लगाएंगे। दोस्तों मिट्टी के ऊपर घास जम गई है तो उसको पहले छीलेंगे, फिर उसके बाद में उसको खड्डा खोदेंगे एक हाथ अंदर, फिर उसके अंदर में उसको लगाएंगे। तो एक हफ्ते के बाद में उसमें से पत्ता आ जाएगा, तो अभी लगाते हैं उसको। दोस्तों खड्डा हो गया यहाँ पे, अभी इतना बहुत हो गया है, अभी इसमें लवंग का झाड़ डालेंगे जो यहाँ पे रखे हुए साइड में। 15 दिन से रखा है लेकिन इसका पत्ता सूखता नहीं, और इसका ऐसे भी पूरा लगाओगे तो लग जाएगा। अगर इसका अलग अलग काट दोगे यहाँ पे तो ये भी लग जाता है। पहले इसमें पानी डाल देंगे तो थोड़ा गीला रहेगा तो जल्दी लगेगा। तो ये लवंग का झाड़ है, इसमें लवंग फरता है जो
देवी देवताओं को चढ़ाते हैं और खाते भी हैं, किसी भी बीमारी में काम आता है। 15 दिन में एकदम अच्छे से लग जाएगा। इसमें पानी डाल दिए हैं, तो पानी डालेंगे तो अच्छा रहेगा, जल्दी लग जाएगा। और इसके साथ में एक डंडा लगा देंगे, ये एक तरफ झुके ना हो, चलता है ना जब। दोस्तों ये मरचा है, बहुत काला काला है, छोटा छोटा, ये अलग मरचा है, ये मोटा मोटा होता है। हेला यार गोलू, बाबू काका काका जान बैठ जाते। हेलो समझ के मार, हेला यार टिक टांग दे, मैं सी पाए।
राम मने जिंदे पाने जा।